सर चाहेंगे, मोदी सरकार ने तीनों बिलों को वापस लेने को आज बोला है। बोला है वापस नहीं किया है, वापस नहीं किया। झूठ इतने बोले हैं कि कहीं एक भी ये और झूठा निकल जाए, कोई दाव पेंच ना चल दे इसमें। तो आपको पीएम मोदी पर भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा कम हुआ है पिछले दिनों में। आपने देखा होगा एक साल से उन्होंने इतने झूठ बोले हैं प्रधानमंत्री जी ने, कि हमें ये डाउट रहता है कि कहीं ये भी झूठ का एक पुलिंदा ना हो और इसमें भी कोई दाव पेचना खेल दें प्रधानमंत्री मोदी जी। तो इसलिए जब तक MSP की गारंटी वापस नहीं होती, ये तो काले कानून थे जो हम पे थोपे गए थे और उन्हीं को वापस कर लिया गया है। तो ये काले कानून वापस करने के लिए घोषणा की है, वापस नहीं हुए ये। एक तरह से एक साल पहले ये बिल आए थे और उसको उसके विरोध में आप लोग यहाँ पर बैठे, एक हाँ साल हो गया। हाँ, आप लोगों ने इतना कुछ सहा है। हाँ जी, बारिश, ठंड, गर्मी, सब हाँ कुछ सहा है और एक साल के बाद अब फाइनली पीएम मोदी ने तीनों बिल वापस लेने को बोला है। हाँ, तो थोड़ी सी तो खुशी होगी। हाँ, क्यों नहीं है, खुशी है हमें इस बात की। सकारात्मक पहल है, शुरुआत हुई है, इस बात की शुरुआत हुई है जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं एक साल से। यहाँ पे धूप ताप में यहाँ पड़े हुए हैं, बारिशों में, तूफानों में यहाँ पड़े हुए हैं, तो 700 किसान शहीद हो गए हमारे। तो इस बात की खुशी है, हम अब सरकार ये बात मानने को तैयार हो गई है कि यहाँ जो किसान है वो असली किसान है। हाँ, नकली किसान नहीं है। पहले आंदोलनजीवी कहा जाता था और क्या क्या कहा जाता था। अब मान लिया है सरकार ने कि ये खालिस्तानी नहीं है, हिंदुस्तानी है। मान लिया सरकार ने कि राष्ट्रद्रोही नहीं है, राष्ट्रभक्त है। और जो तथाकथित राष्ट्रभक्त थे जो इस बात को बोलते थे कि ये संवेदनशील है, ये किसान जो BJP के जो नेता इस बात को बोला करते थे, सार्वजनिक तौर पे बोला करते थे, आज उनके मुंह में दही जम गई होगी इस बात को सुन के कि उन्हीं के प्रधानमंत्री जी ने ये बात कह दिया कि असली किसान है। ये साबित कर दिया, हमारा प्रमाण मिलना हमें बाकी है। असली किसान बोल तो दिया उन्होंने, पर इसको संसद में वो पास करा के इसको प्रमाणित करें कि हम सही है। तो पास करा देंगे और MSP अगर नहीं मानेंगे तो भी क्या? जारी रहेगा आंदोलन, जारी रहेगा आंदोलन, जारी रहेगा। हाँ, पीएम मोदी को आखिर क्या मैसेज देना चाहेंगे? आंदोलन जारी रहेगा, उन्होंने शुरुआत कर दिया और उसके लिए अच्छी पहल है। वो हमारे MSP की गारंटी दी, हमारे उत्पादन जो हमारा होता है देश में फसलों का, उसका उचित मूल्य मिले हमें। मुख्य लड़ाई तो वही है, मूल्य मिलेगा, हमारे घरों में जाएगा, हमारे काम रोजाना की दिनचर्या हमारी अच्छी होगी किसानों की। तो उन्होंने पहली बात मान ली कि हम असली किसान हैं, अब हमारे हमारे हितों की लड़ाई हमारे साथ हो प्रधानमंत्री जी, जिस चीज नस्ल और फसल की लड़ाई के लिए हम खड़े हुए साथ हैं। तो सकारात्मक चीज है, खुशी है, लेकिन अभी आंदोलन उठेगा नहीं क्योंकि बहुत सारी अभी भी मांगे बाकी हैं।